जनपद संभल के चंदोसी में सीएल गैस एजेंसी की डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को अंबेडकर सेवा दल और भीम सेना ने माला पहनाकर सम्मानित किया। देश में चल रहे लॉकडाउन के दौरान काफी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। ऐसे ही कुछ लोग हैं गैस की डिलीवरी करने वाले जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। ऐसे ही कुछ लोगों को जनपद संभल की चंदोसी में आज अंबेडकर सेवा दल और भीम सेना ने सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएल गैस एजेंसी के मालिक सतीश प्रेमी ने कहा कि गैस की डिलीवरी करने वाला व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में डालकर गैस की डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया था। लेकिन आज अंबेडकर सेवा दल और भीम सेना ने डिलीवरी करने वाले लोगों को सम्मानित करते हुए अच्छा कदम उठाया है, जिसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। वही समाज सेवी संगीता भार्गव ने कहा कि इस लॉकडाउन में भी ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये लोग गैस पहुंचाकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए जब भी ये गैस लाएं तो इनके सिलेंडर को सैनिटाइज कराकर ही लें तथा पैसे भी सैनिटाइज करके ही दें। भार्गव जी ने आपकी पूरी टीम को गैस एजेंसी की सम्मानित किया है फूलों से माला पहनाकर, तो उसमें क्या कहेंगे आप? मेरा मानना है कि आज समाज सेवी संगीता भार्गव जी ने और अन्य सामाजिक संगठनों ने जो गैस डिलीवरी का और मेरा सम्मान किया, बहुत बधाई देना चाहता हूँ उन लोगों को कि सामाजिक संगठनों ने सोचा कि आज दुनिया की होम डिलीवरी जब फेल हो गई है तब भी आज भारत में गैस आपूर्ति पूर्ण रूप से सुचारू है, होम डिलीवरी है। जहाँ देश में पत्रकार जो फोटोग्राफर हैं, इलेक्ट मीडिया के लोग हैं, या तो वो अपने कर्तव्य निर्वाह करते समय भूल जाते हैं कि हमें घटना को कवर करने के लिए जान जोखिम में डालकर कवर करते हैं, या फिर गैस आपूर्ति वाला डिलीवरमैन है जो घर जाकर के 30 किलो का वजन सिलेंडर लेकर के जाता है, दूसरी मंजिल पर तीसरी मंजिल पर जाता है और बिना ये सोचे हुए कि कहीं मैं संक्रमित ना हो जाऊँ, वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, जान जोखिम में डाल करके अपनी गैस आपूर्ति करता है। तमाम मैं आज बधाई देना चाहता हूँ उन लोगों को कि सामाजिक संगठनों के लोगों को, भीमराज सेना है, अंबेडकर सेवा दल है, भीम आर्मी है, संगीता भार्गव समाज सेवी है, उन्होंने ये एहसास करते हुए कि अगर घरों के चूल्हे जलना बंद हो जाएं तो तमाम कितने पैसे वाले हों, कितने भी हम लोग धनाढ्य हों, त्राही त्राही मच जाएगी, लेकिन भारत में गैस आपूर्ति पूर्ण रूप से भारत सरकार के नेतृत्व में, भारत सरकार के जो संकल्प है उसे अक्षर से पालन कर रहे हैं और गैस आपूर्ति कर रहे हैं। उन तमाम जिले के गैस डिलीवरमैन का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, उन गैस डिस्ट्रीब्यूटर का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते समय अपनी जान जोखिम में डालकर भी कर रहे हैं, जान की चिंता नहीं कर रहे। आज हमारा इंदौर में एक डिस्ट्रीब्यूटर ख़त्म हुए जैन साहब कोरोना संक्रमण से, लेकिन उसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की हमने कि हमारे कोरोना जो संक्रमण से पैदा वो ख़त्म हुए डिस्ट्रीब्यूटर इंदौर में, उसके बावजूद ये तमाम संभल जनपद के डिस्ट्रीब्यूटर अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, अपने कर्मचारी से लेके स्टाफ से लेके सबको लेके पूरा गैस की आपूर्ति घर घर करेंगे, जिससे कि लोग सुरक्षित रहें, उनका परिवार सुरक्षित रहे और सरकार का लॉकडाउन का और डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो बरकरार रहे, लोग सुरक्षित रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गैस एजेंसी पर गैस कर्मचारियों को सम्मानित किया है, फूल डाले हैं उनके ऊपर, क्या कहेंगे भैया? आज हम लोग ने सतीश भैया और इनकी पूरी टीम को सम्मानित किया है। वो इसलिए क्या है क्योंकि ऐसा वर्ग है जो वाकई घर घर जाके एक बहुत तगड़ा रिस्क उठा रहा है और मेरा सभी से अनुरोध है कि ये लोग जो घर घर जाके काम कर रहे हैं, हमारा मीडिया बंधु काम कर रहा है, हमारा पुलिस वर्ग काम कर रहा है, इनका उत्साह वर्धन करें, उन लोग को सम्मानित करके, ताकि उनको लगे कि हाँ वो भी वांटेड है। शायद उसी सिलसिले में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी घर में जो महिलाएँ हैं जब गैस लेंगी तो क्वारंटाइन करके उनको सैनिटाइज करके लेंगी और सैनिटाइज करके ही उनको आगे की कार्यवाही, जो भी पैसे दे रही हैं या वो कुछ भी जो भी कर रही हैं, ताकि ये हैंड टू हैंड कोरोना वायरस ना फैले। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे जनता को? जनता को यही संदेश देंगे कि कोरोना का टाइम है और एक ये वाकई बहुत गड़बड़ टाइम है और मुझे उम्मीद है, नहीं विश्वास है कि ये टाइम भी बीतेगा। बस आपस में एक विश्वास रखें, आपस में प्यार रखें, एक दूसरे का सम्मान करें और अपनी हॉबीज़ को आगे लेके आएँ और खुश रहें।